जय श्री राम दोस्तों, बलदेव बाग में हमने एंट्री ले चुके हैं। समय की बात की जाए तो 8:36 मैंने आपको दिखाया और अभी अपने शहर की स्थिति पूरी बदल के हो गई है, काया पलट हो गया है अपने शहर में। सजावट हर जगह जारी है गणपति जी में ही। बहुत प्यारे गणपति जी यहाँ पे रखे गए हैं और लाइटनिंग भी बहुत खूबसूरत हुई है। यहाँ भी कुछ आज बड़ा प्रोग्राम है लग रहा है। यहाँ के गणपति जी मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि अभी थोड़ा सा भीड़ है और रेगुलर मूर्ति लगी मुझको तो मैंने नहीं दिखाया, चलिए आगे का दिखा दूंगा मैं। और यहाँ पे जो दो मूर्तियां हैं मैंने वहाँ आपको दिखा चुका हूँ, एक बाल रूप में कृष्ण जी रखे गए होंगे, यहाँ अंदर भी हैं लेकिन अंदर मैं नहीं गया। ओ एक मूर्ति ये है, ये भी दिखाता हूँ। देखिए अब सारी मूर्तियां तो नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई ना कोई मूर्ति तो छूटनी है, ये बात बनती है, मतलब ये बात जायज है। यहाँ पे गणपति जी बाल रूप में रखे गए हैं, वीणा कुछ तो बजा रहे हैं, ये बढ़िया माहौल है यहाँ पे, खूबसूरत। अंदर नहीं गया, मेरे को थोड़ा सा दुख लग रहा है लेकिन प्लीज़ यार आप बुरा ना माने। यहाँ पे जो गणपति जी रखे गए हैं बजरंगबली जी रूप में, उनका दर्शन मैंने आपको करा चुका हूँ। और मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे कृष्ण जी रूपी, मतलब कृष्ण जी रखे गए हैं, गणपति जी भी हैं, वो भी दिखा चुका हूँ, मन्नत वाले गण राजा। कुछ तो पूजा हो रही है यहाँ पे, भीड़ देखिए आप, अंदर भी गणपति जी होंगे ही होंगे, पक्का ही होंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन गलियों में, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है यार। देखो आप बुरा नहीं मानना अगर मैं ना जाऊँ तो वहाँ पे, क्योंकि सारे गणपति जी कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी हो जाता है, तो जो मेन रोड पे हैं मैं उनको कवर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ वाले गणपति जी मैंने आपको नहीं दिखाया हूँ। अच्छा एक यहाँ पे भी रखे गए, ओहो यहाँ भी रखी गई है मूर्ति, दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया सजाई है समिति ने। और प्रोग्राम हो रहा है अब, क्योंकि आज 7वां या 8वां दिन है तो भंडारे का प्रोग्राम लगभग अब सभी जगह होना है। गणपति जी विराजे हैं यहाँ पे गरुड़ जी पे, बहुत खूबसूरत मूर्ति लग रही है। अच्छा ये तो सामने गरुड़ जी पे वही लोग आ गए हैं, यहाँ पे देखिए भैया जरा, बहुत बढ़िया मूर्ति लग रही है। अब यहाँ पे शॉट नहीं ले सकता, सब समिति वाले सामने सामने घूम रहे हैं तो रील भी नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको यहाँ की। ये तो कम से कम अच्छा है कि यहाँ पे एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बहुत घनी बस्ती है लेकिन फिर भी रोड कम से कम यहाँ की चौड़ी है तो ज्यादा परेशानी होती नहीं है। यहाँ पे भी एक गणपति जी रखे गए हैं, साथ वाला दोस्त आगे ही निकल जा रहा। चलो फिर भी एक प्रकार से सजावट देखिए मैंने आपको दिखा दिया हूँ नॉर्मल, एक मतलब एक आइडिया आपको लग जाए। ये गणपति जी के भी दर्शन मैंने आपको करा ही चुका हूँ, यहाँ भी पूजा हो रही है। लाडगंज वाली पुरानी दुकान, अच्छा यहाँ पे भी शायद एक खूबसूरत मूर्ति रखी है आगे में यहीं पे, क्योंकि इसके पहले मैं आया था ना तो जब निकला था तो देखा था, उस समय रुक नहीं पाया था, आज पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे रुकने की। हाँ बहुत खूबसूरत मूर्ति है, लगाते हैं गाड़ी साइड में। पार्वती मैया हैं और गणपति जी पार्वती मैया के गोद में बैठी हुई हैं और छोटा सा ही पंडाल है लेकिन बहुत खूबसूरत सजाए हैं इस पंडाल को। और माता कितनी प्यारी लग रही है, रामचरितमानस गणपति बप्पा पढ़ रहे हैं। अरे लाइक तो कर ही रहे आप लोग, देखते हो बहुत बहुत धन। ये कौन सी जगह है? हाँ हाँ बहुत बहुत छोटू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है अभी ये कौन सी जगह हम खड़े हैं? ये जगह का नाम दरहाई। अच्छा ये मूर्ति कौन बनाए हैं? अच्छा सीताराम जी। ठीक है आप सभी लोग हाय कर दो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब अच्छे से पढ़ना मन लगा के, ठीक है हम वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा। सीताराम सेन जी बनाए हैं ये मूर्ति और वो मूर्ति बहुत कम बनाते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते हैं। ये मूर्ति भी उनके द्वारा ही बनाई गई है। यहाँ पर अभी आरती का कार्यक्रम शुरू होने वाला है तो अंकल जी लोग तैयारी कर रहे हैं।
बहुत प्यारी सजावट है, छोटे रूप में ही भले सजा है पंडाल, लेकिन बहुत प्यारा सजा है। आगे चलते हैं, चलिए। आई रोहित, बाय बाय। हाँ, इंस्टा पे भी आई रोहित, आई रोहित व्लॉग सर्च करना, ठीक है। बाय बाय। सेम यार, सेम यार, सुबह रोज उठ के नहा के मम्मी के पैर छुआ करो, ठीक है। देख लिए, बाय बाय, बाय बाय। चलो 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 चलो। सही में यार, बच्चे मन के सच्चे, वाकई में ये बात लगता है देख के। देखिए, कभी भी आप किसी भी बच्चे से जब मिलते हैं ना, तो आपको खुशी होती है। इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि उनका मन कभी भी हमेशा साफ रहता है। जैसे आप किसी बड़े से मिलते हैं तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब दिल में कुछ बातें कुछ। लेकिन बच्चों से कभी भी आप मिलेंगे ना, तो बच्चों को मन में कभी भी छल कपट, द्वेष, ईर्ष्या कुछ भी होता नहीं है। तो उसी लिए वो हंसते रहते हैं, हंसते भी रहते हैं। और आप भी किसी भी बच्चे को देख के हंसोगे, हंसी ही आती है देख के, मतलब एक प्रकार से खुशी होती है देख के। ये एक दुकान है भाई की, जो कि 10 दिन के आसपास ये बंद रखते हैं दुकान, 10 दिन जब भी गणपति जी बैठते हैं, उस्ताद फकीरचंद अखाड़ा। और ये बहुत बड़ी भावना है इनकी। मैं पिछले बार आया था तो वो बताए थे मुझको, बहुत अच्छी मूर्ति है ये। मेरे हिसाब से 11 साल हो गए उनको रखते हुए मूर्ति यहाँ पे। ये आप ही की मूर्ति है ना? आपने वीडियो बनाया, मेरे को याद है, मैंने आपके बारे में बोल दिया हूँ वीडियो में, आप सुनिएगा आई रोहित ब्लॉग पे, है ना। मिलते हैं भाई। और ये मेन मूर्ति है फकीर चंद अखाड़ा की। यही है पीयूष जैन भाई, जो ये गणपति जी रखते हैं। 11 साल हो गए आपको? जो कार्तिक वाली मूर्ति का बैठा है, याद है मेरे को, याद। डरहाई मार्ग। क्या बच्चों ने प्यार दिया यार, वाकई में अच्छा लगता है मुझको भी मिलके। अगर आप मुझको देखें तो कभी आ जाया करें, बात कर लिया करें, मुस्कुरा लिया करें मेरे ब्लॉग में। आपको पता तो है ही कि हम व्लॉग्स बनाते हैं मुस्कुराने के लिए। मुस्कुराइए, क्योंकि आप रोहित की वीडियो में। दिल खुश हो गया आज बच्चों से मिलकर। आज मैं सही बोलूं, थोड़ा सा उदास टाइप का मन था, क्योंकि जितनी वीडियोस मैंने बनाया हूं उस हिसाब से रिस्पांस मेरे को अभी तक मिला नहीं है, तो थोड़ा उदास टाइप का लग रहा था। लेकिन इन बच्चों से मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। ये मेन रोड में आ गए, इस तरफ अंकुर वाले गणपति जी हैं, जिनकी रील मैं आपको दिखा चुका हूँ, वीडियो बनाया नहीं हूँ। देखते हैं अभी क्या पोजीशन बनती है हमारी। एक पंडाल यहाँ पे है। चलिए जी, गाड़ी हमने वहाँ साइड में लगा दी है। और ये सामने आप बहुत दूर है, इस कैमरे में तो देखेगा नहीं, अंकुर वाले गणपति जी वहाँ पे हैं। और यहाँ की सजावट आप देखिए, अरे ये वाली मूर्ति यहीं पे रखी हुई है, बहुत खूबसूरत। इसलिए क्रिएटिविटी का लेवल वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस बार आई होप कि नवरात्रि में कई चीज़ें अलग देखने मिलें, जैसे गणपति जी में हमको देखने मिल रही हैं। गणपति जी हैं और कार्तिकेय जी हैं, बीच में कौन है जो घुमा रहा है उनको? हैं शंकर जी, शंकर जी, अच्छा शिव जी घुमा रहे हैं अपने दोनों बच्चों को। वाह, ये देख लीजिए ये मूर्ति, ये समिति वाले हैं और मूर्तिकार हैं दिनेश कंजा 5। बहुत बढ़िया मूर्ति है, शिव जी हैं और गणपति जी एक हाथ में, और एक हाथ में उनके कार्तिकेय जी हैं। सजावट भी बहुत अच्छी की गई है, झालर 2 ऊपर 3 यहाँ लगाई गई है, बहुत बढ़िया सजाए हैं, बहुत बढ़िया। ये हैं अपने नीलेश भैया, नीलेश कंजा 5, और ये भैया हैं दिनेश, जो कि मूर्ति बनाए हैं, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाए हैं। दिनेश मराठा हैं ये भैया, और ये भैया हमारे हर वीडियो में आते रहते, श्री सीताराम भैया, अंकुर परिवार के गणपति जी। मैंने आपको रील में दिखा ही चुका हूँ, आप यहाँ की सजावट देख लीजिए। सिर्फ सजावट के लिए, लाइटनिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पे लाया हूँ, कि आप लाइटनिंग सारी देख लें। मेरे राइट में है महावीर जी का मंदिर, और जहाँ पे अंकुर वाले गणपति जी रखे हैं, ये हम आ गए हैं। या तो सुनहाई वाली लाइन है या नुनहाई वाली लाइन है। और ये देखिए बच्चियाँ, ऐसे बैठाएं, ऐसे बैठाना नहीं चाहिए यार, क्योंकि मैं जब उल्टा बैठता हूं तो मेरे को डर लगता है। तो ये तो बहुत छोटी बच्ची है जो कि ऐसे उल्टी बैठी है यहाँ पे। यहाँ अंदर भी गणपति जी रखे गए हैं, यहाँ पे रियल सोना पहने होंगे वो गणपति जी ने जो रखे गए हैं, सॉरी सोना बोल दिया, चांदी, रियल चांदी पहने होंगे।
चांदी का कान है गणपति जी का, चांदी का छत्र है, चांदी का मुकुट भी है, और मुझको लगता है जो हाथ में त्रिशूल पकड़े हैं वो भी चांदी का है, बका भी पकड़े हैं चांदी का, कड़ा चांदी का भाई मूर्ति है यार, खूबसूरत मूर्ति, पूरा रियल जेवर होगा इनका। इतनी कम उम्र में कितनी पावर का चश्मा है ये? 12.5 का। बाप रे, गणपति जी को थोड़े करीब से देखिए आप, और आपके लिए मैं फोटो तो लूंगा ही, साथ में रील आप मेरे YouTube चैनल पे देख लीजिएगा। अभी जो मूर्ति देख के आए ना, जो मैंने आपको दिखाया भाई, क्या मूर्ति सजा दिए हैं वो, आप जरूर आके देखिएगा इन मूर्ति को, पूरा चांदी का रियल श्रृंगार है गणपति जी का, और उसके अलावा जो पंडाल भी सजाए हैं, बहुत खूबसूरत पंडाल सजाए हैं। रील में तो आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे आई रोहित व्लॉग, फॉलो कर लेना। लेकिन कई जगह हम वो भी नहीं दिखा पाते हैं सजावट, मतलब जो पंडाल में सजाए हैं, क्योंकि फोकस रहता है मेन मूर्तियां दिखाना है। हर चीज़ देखिए नहीं दिखाया जा सकता है, आपको एक आइडिया के तौर पे हम लोग दिखा देते हैं वीडियो में, तो बाकी जो मज़ा आपको मिलेगा यहाँ पर आके ही मिलेगा। अभी हमें गढ़ा फाटक में, इस तरफ जाएंगे तो गढ़ा फाटक पड़ेगा, श्री शिव शक्ति गणेश उत्सव समिति, पुरानी दरहाई, पुरानी चरहाई, चरहाई क्या यार, दरहाई पढ़ रहा हूँ। मूर्तिकार ये भी सीताराम सेन है। आज हम लोगों को दो मूर्तियाँ देखी, दोनों सीताराम सेन जी की, मतलब इसके पहले एक दो और भी देखी तो वो दूसरी थी, लेकिन जो दो मूर्तियाँ, मतलब आज लगभग जितनी मूर्तियाँ देखी बहुत सुंदर। और ये छोटी गणपति जी की मूर्ति है जो कि काफ़ी सुंदर है, इसमें आपको फोटो लगा दूंगा। ये मेन मंदिर में ही स्थापित हैं गणपति जी। चलिए जी, आ गए हम गढ़ा फाटक में, और ये श्री राम जी की मूर्ति से निर्मित गणेश प्रतिमा, रील में मैं आपको दिखा चुका हूँ इन मूर्ति को, वहाँ से अयोध्या से लेके आई हैं गणपति श्री राम जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, और उस मूर्ति से गणपति जी की मूर्ति बनी है ये प्रतिमा। आप आके ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारी और अद्भुत प्रतिमा बनी है ये, मतलब कलाकार की सोच को भी या मूर्तिकार की सोच को भी सलाम है। यहाँ पे ये समिति हर बार ही कुछ ना कुछ अलग बनाती है। पिछली बार गाड़ी के, बाइक्स के कुछ पार्ट से गणपति जी बनाए गए थे यहाँ पे, या तो पिछली बार या उसके पिछली बार, और उसके पास्ट का हिस्ट्री मेरे को याद नहीं। गढ़ा फाटक जो कि महाकाली जी के लिए काफ़ी फेमस है ये स्थान, और काफ़ी सिद्ध स्थान है ये, बहुत भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं महाकाली जी के दरबार में आके, भक्त अपने आंसू बहाते हैं, माता से मन्नत करते हैं और अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं माँ के सामने। आज मैंने एक रील भी दिया हूँ, आप देखे होंगे अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो। जय माता दी। देखिए सजावट, मम्मा हेलो हेलो हेलो, पहचानते हो क्या? अरे वाह वाह, राजा है जबलपुर के राजा, एक मूर्ति ये और एक इनके पहले जो मूर्ति मैंने दिखाया, ये लाइन से समूची वाले रोड के इस तरफ खड़े हैं और बीच में भी खड़े हैं। बहुत अच्छा है ये, मतलब एक प्रकार से ट्रैफिक को बाधा ना पहुंचे उसके लिए ये लोग लगातार खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आती जाती रहें, क्योंकि मेन रोड पर ही बीच में रखे हुए हैं, और बहुत भावनाएँ जुड़ी हैं इन दो मूर्तियों से भी पूरे शहर वालों की, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है दोनों। हाँ, दोनों समिति बहुत अच्छा, मतलब अरेंजमेंट किए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं भक्त लोग भी उनके, भगवान बहुत अच्छा फल देंगे उनको। शिव मंदिर गणेश उत्सव समिति के पास हैं हम, और जो मैं आपको बता रहा था ना, अद्भुत मूर्ति है अयोध्या से प्रभु श्री राम जी की, छोटी छोटी मूर्तियों को ला के बनाया गया है ये मूर्ति, तो वो पंडाल यही है। देखिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर कितनी ज़्यादा है, और भंडारा अभी तक चल रहा है, मतलब लगभग यहाँ पे जो काले गणपति जी हैं वहाँ भी भंडारा चल रहा है, और जो जबलपुर के राजा हैं वहाँ भी भंडारा चलेगा, अभी शायद 10-25 हो रहा है, और यहाँ पे भी भंडारा चल रहा है, तो भंडारे की कोई कमी नहीं है। अगर आप यहाँ रहते मतलब तो आपके तो जलवे होते कहीं, मतलब जो क्या नाम है, चावल फ्राइड राइस मिल रहा है, कहीं पर वो खीर मिल रही है, और एक जगह अभी चालू होगा तो वहाँ पता नहीं क्या मिलेगा। यहाँ पे अपनी पड़ाव वाली देवी जी बैठती हैं, यहाँ पे भी एक गणपति जी रखे गए हैं,
ओ यही वाले तो गणपति जी देखना था। एक मूर्ति यहाँ पे रखी गई है और एक मूर्ति यहाँ से 100 मीटर आगे वहाँ पे रखी गई, और दोनों मूर्तियाँ कमाल हैं, बाल रूप में रखी गई हैं, कमाल मूर्तियाँ। पहले मैं यहाँ के दर्शन आपको करा देता हूँ। कार्तिकेय जी के साथ हैं गणपति जी, अपने भाई के साथ हैं। जय गणेश। तुमको आना है कि हमको देखना है? अच्छा आओ पहले फिर देख लेना। अब एक सामने गणपति जी हैं, अशोक सुंदरी माता जी को लिए हुए हैं ये गणपति जी। नव जीवन गणेश उत्सव समिति, भीड़ है काफी यहाँ पे क्योंकि काफी मनमोहक प्रतिमा है ये, तो भीड़ भी उतनी ज्यादा लगी है यहाँ। बहुत मनमोहक है, आप देखेंगे और आप बिल्कुल देखते ही रह जाएंगे। इनके पहले भी जो मूर्ति थी वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था रुके ही रहो वहाँ पे। भीड़ आप देखिए यहाँ पे, बड़ा मुश्किल होगा शॉट लेना लेकिन लेके ही जाएंगे। सामने कोई गिम्बल से शूट कर रहा है गणपति जी को। हम लोग फिर से दरहाई में आ चुके हैं, पीछे ही जस्ट अंकुर वाले गणपति जी छूटे। इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ, तो थोड़ा सा आपको चलने को रास्ता दिख रहा है लेकिन फिर भी स्टिल आप देखें तो सामने पूरा खचाखच पैक लग रहा है। आज 14 तारीख को ये वीडियो शूट हो रही है, 14 तारीख के रात के बज रहे हैं 10:52, और यहाँ के गणपति जी सॉरी जो मैंने दिखा दिया, मतलब शिव जी अपने दोनों बच्चों को हाथ में पकड़े हुए हैं, एक हाथ में गणपति जी हैं और दूसरे हाथ में कार्तिकेय जी हैं, तो मैं दिखा चुका हूँ इसी वीडियो में सामने अंकुर वाले गणपति जी। तो बहुत ज़्यादा भीड़ अभी है इस रास्ते पे, सिटी है तो मैंने यहाँ पे भीड़ होगी होगी। सर अब आज ये गाड़ी ख़राब हो गई है मयूर की, अब उसके पैर में लगा है तो वो घसीट नहीं सकता, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है गाड़ी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो है, अब इसको ठीक करवाने के लिए ले जाया जा रहा है इस गाड़ी को। टाइम वगैरह भी नहीं करवानी क्या? कुछ हेल्प तो नहीं करवानी? नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, सामने दुकान है ना। हाँ हाँ, आप लोगों का बहुत प्यार है, वो सामने एक भाई आया पहचान का मिल गया था मेरा सब्सक्राइबर, 11:02 हो रहा है, थोड़ा कोई हेल्प तो नहीं करानी है। शुभम परिवार का गणपति जी वो भी रखते वो लोग कमर हाई से। अरे ये शॉप भी बंद है यहाँ पे यार, क्या हो गया, आज तो फंस गए था लग रहा है। स्टार्ट ही नहीं हो रही है ये गाड़ी। अरे बाबा अपना हाथ लगा, स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई, गजब यार रे, बप्पा का पावर, विघ्न हरता बप्पा, विघ्न हरता, चालू रहे देख रहे हैं, बप्पा का है आशीर्वाद, चालू रहे। मैंने कभी गाड़ी चालू नहीं किया, आज पहली बार चालू किया, चालू हो गई। तेज हो क्यों गई यार? मेरी वीडियो बनाए हो? हाँ। और ये चल रहा है कैमरा इसका? नहीं बंद है, चलो चलो स्टैंड लगा दूं, स्टैंड लगा रहा हूं। चलो अब मैं अपनी गाड़ी लेके आता हूं। एक गणपति जी यहां भी रखे हुए हैं, रेगुलर मूर्ति है ये भी। ये रोड निकल जाएगी अपनी सीधे गोहलपुर में, आ गए हैं अब हनुमान ताल के पास, यहां ले लो हलवा खाना है तो। टाइम अभी हो रहा है 11:09 और यहां पे मिल रहा है भंडारा हलवा का, हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि हमको तो भूख नहीं है, हम मूर्ति देखें यहाँ पे। तो रेगुलर मूर्ति है गणपति जी की, और यहाँ पे कुछ लेडीज़ें भजन भी कर रही हैं। मैं आपके लिए फ़ोटो ले लेता हूँ, गणपति जी की अच्छी मूर्ति लग रही है, देखें आगे आगे चले जाऊँ भैया, आगे चले जाऊँ। हाँ चल 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 चल, गाय माता बीच में आ गई थी, देखे आप भीड़, यहीं से गाय माता यहीं खड़ी थी तो मैं यहीं से भगाया उनको, और पूरा रास्ता ये जाम हुआ है। भंडारा चल रहा है अभी भी हलवे का,
हमने अभी तक भंडारा खाए नहीं है गणपति जी में, क्या पता हमारा नसीब हो नहीं रहा है, मुहूर्त नहीं बन रहा है खाने का। देवी जी में तो खाएंगे, देवी जी में नहीं छोड़ेंगे, गणपति जी में भी खैर खाएंगे। हो सकता है जब अंतिम क्षण गणपति जी का जब विदाई होगा तब हो सकता है हम खाएं, अभी तो हम नहीं खा रहे हैं। ओहो भीड़ से निकले भाई, पीछे छोड़ दिए हमने दमोना का चौक जस्ट यहाँ से 50-100 मीटर दूरी पे। और ये देखिए जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज के ऊपर ही सजा दिया गया है, यहाँ पे गणपति जी रखे हैं। थोड़ा सा इस बार ये हाथी के फेस में कई जगह गणपति जी रखे गए हैं, यहाँ भी सेम वही वाले गणपति जी हैं। अरे वाह, जो यहाँ पे डिस्प्ले चला रहे हैं ये लोग, अभी जो शायद कांचघर वाली जो काली जी थी ना, उनका ही डिस्प्ले चला रहे हैं। रखे गणपति जी गए हैं और गाना बजा रहे हैं काली जी का, जो कांचघर वाली काली जी बनाई गई थी पिछली बार, वैसे ही उनका ही डिस्प्ले चला रहे हैं ये लोग शायद। बहुत अच्छा सजाए हैं ये लोग, यहाँ पे रील बनाने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि गणपति जी के बगल में इतनी सारी लाइट चमक रही है ऐसी झिलमिल झिलमिल, तो कैमरा सिर्फ ऐसे ही रख के रहे और वीडियो अपने आप बन गई, रील बन गई मतलब, तो रील में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ा। अच्छा यहाँ पे मैंने देखा था जब गणपति जी की मेकिंग होती थी ना अभी, तो कई बार आया गया, तो यहीं पे जस्ट जिस जगह पे हूँ मैं, लाइट ही नहीं है यहाँ, आगे बात करूँगा, बस ये जगह याद रखना आप। हाँ तो वो जो जगह थी ना वहाँ पे बहुत दो तीन लोग को मैं देख चुका हूँ गिरते हुए, तो आप दिन में भी आप अगर यहाँ पे आए ना तो इस रोड में बड़े ध्यान से आइएगा क्योंकि बहुत ऊंच नीचे और गिट्टी पड़ी है, तो गाड़ी ऐसे डामाडोल हो जाती है। ये आ गए हम गोहलपुर चौक पे, और क्या सजावट है भाई यहाँ की भी, देखिए क्या खूबसूरत सजाए हैं, और बीच में गणपति जी रखे हैं, बैकग्राउंड में क्या डिस्प्ले चल रहा है। अरे वाह, प्रशासन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत खूब यार, बहुत खूबसूरत। गणेश उत्सव समिति 15वां वर्ष है इनका, श्री सिद्ध गणेश उत्सव समिति गोहलपुर, बाजू में थाना है ना? हाँ उसलिए होंगे, गोहलपुर के राजा भाई साहब, क्या जगह है ये लोग के पास, और पूरा जगह का ये लोग पर्याप्त उपयोग किए हैं और खूबसूरत सजाए हैं। आज जितनी भी जगह मैंने आपको मूर्तियां दिखाया, ना केवल मूर्तियां ही अच्छी हैं बल्कि छोटी जगह में भी दिखाया सजावट अच्छी हुई है, और यहाँ पर ये लोग पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उतने ही में ये लोग बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं। कितनी प्यारी मूर्ति रखी है यार, जो गोहलपुर के राजा भी चल रहा है, जिनका डिस्प्ले चल रहा है उसी में डिस्प्ले में लिखा गोहलपुर के राजा, बैकग्राउंड में भी पूरा उनकी समिति का नाम आ रहा है, बहुत बढ़िया, स्टेज भी बहुत बढ़िया सजाए हैं, बहुत खूब मूर्ति है भाई। यहाँ पे आधारताल में मेन रोड से थोड़ा सा अंदर मैं आपको दिखा दूंगा, आधारताल चौक पे आएंगे ना आप तो ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्या प्यारी मूर्ति है भाई, बाल रूप में गणपति जी यहाँ पे, बाल रूप में गणपति जी। अच्छा यहाँ पे झूला भी झूला सकते हैं गणपति बप्पा को, झूले पे ही बैठे हैं, झूले झूले गजानन, फुग्गा पूरा नीचे बिछाए हुए हैं झूले पे, अगर जाना नहीं है आप सजावट देख लीजिए। सजावट देखिए आप अंदर की, जैसे पूरा यहाँ पे स्टेज पे नीचे गुब्बारा लगा दिए हैं, ऊपर भी लगाए हुए हैं। आई होप कि अभी ये कैमरा दिखा पा रहा होगा, और यहाँ पे ये अपने को गणपति जी को झुलाने के लिए झूला भी है, ये अभी थोड़ा बहुत गणपति जी झूल रहे हैं, मैंने ही झुलाया था, अब बार बार नहीं झुला रहा हूँ नहीं तो समिति वाले बोलेंगे नाटक कर रहा है। इनके मुकुट पे मोर का पंख भी लगा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं बाल रूप में गणपति जी, बहुत बहुत प्यारे, बहुत खूब, बहुत खूब गणपति जी लगे ये भी। अच्छा इन गणपति जी को देख के कृष्ण जी की याद आ रही है, कृष्ण जी मतलब अक्सर बाल रूप में देखने के लिए मिलते हैं, बहुत प्यारा मूर्ति रखे हैं इस बार ये समिति वाले। मैं आपको थोड़ा सा एड्रेस भी बता दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा, तो देखिए पूरी गली ये लोग सजाए हुए हैं, अभी वो लोग कुछ तो भंडारे की सॉरी भंडारा बोला विसर्जन की बात कर रहे थे कि इस बार ऐसे विसर्जन करेंगे, इस बार ऐसे विसर्जन करेंगे। समिति का नाम गणेश उत्सव समिति, गणेश मार्केट, आधारताल, जबलपुर। इस तरफ ये सामने ही है आधारताल चौक, और यहाँ आप चले जाएंगे तो दमोनाका चुंगी गोहलपुर के लिए रास्ता भी यहीं से मिल जाएगा आपको। चलिए जी, गोहलपुर के राजा दिखा दिया मैंने आपको, 11:31 हो गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर घर घर। क्या मजा आया आज मेरे को मूर्तियाँ दिखाने में आपको, ना केवल मूर्तियाँ बल्कि सजावट, और भीड़ तो मैं दिखा नहीं पाया, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ क्या दिखाऊँ,
थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिखाया। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। मेरे 100 डेज चैलेंज में जुड़ने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आई रोहित व्लॉग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी वो चैलेंज ज़रूर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से करवाइएगा, क्योंकि अभी देवी जी आ रही हैं और आपके जो भी मन की मुराद होगी वो पूरी करेंगी देवी जी, अगर आप मेरे साथ 100 डेज के चैलेंज में जुड़ते हो तो। क्योंकि आप भी करोगे, सिर्फ जुड़ने से नहीं होगा, आपको भी वो चीज़ करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो आप, भगवान हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। जैसे कि मैं फंसा था परसों मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, लेकिन तुरंत गणपति जी ने रास्ता दिया। आज भी इसकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, वो चालक है सोचो, वो चालू कर रहा था, चालू नहीं हो रही थी। फिर हम लोग ढूंढने गए तो दुकान भी बंद, और उसी के सामने जस्ट मैंने एक बार में चालू किया तो चालू हो गई। ये भगवान का आशीर्वाद नहीं तो क्या है, आप बताओ। मतलब मुसीबत आ रही है लेकिन कट जा रही है तुरंत ही। तो उसी लिए अभी देवी जी आ रही हैं, सारे दिन 9 दिन शुभ रहते हैं और मानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में देवी जी इस धरती पे आती हैं। तो आप जब साधना करोगे ना, वो 9 दिन बहुत ज़्यादा सिद्ध दिन रहते हैं ये, और कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी सिद्ध होती हैं अगर आप प्रार्थना करते हो माता से। तो चलिए, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, मिलो। यहीं पे नेक्स्ट गली है ना जो शायद